हेलो और नमस्कार, स्वागत है आपको आप ही का फेवरेट ये यूट्यूब चैनल द राइट वे में। आज मैं आपको मेरा इस यूट्यूब वीडियो में 12885 सालीमार भोजुडी अरण्यक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में बहुत बहुत डिटेल्स में सारा जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहिए। ये ट्रेन में कितना जनरल कंपार्टमेंट है, एसी कंपार्टमेंट कितना है, पैंट्री कार है कि नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो को अंदर में ही मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए आए हैं या फिर हमारा इस यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, प्लीज सबसे पहले जो सब्सक्राइब का लिखा हुआ बटन है उसे क्लिक करके हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर पास में आए जो बेल बटन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले आके वीडियो को चेक करें और अपना महत्वपूर्ण मतामत को कॉमेंट सेक्शन में जाके व्यक्त करें। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होते, बस आपका प्यार और आशीर्वाद का ही मुझे जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक देके मुझे उत्साह दीजिए। आज मैं सफर कर रहा हूँ 12885 शालीमार भोजुडी अरण्यक सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर। यहाँ पे सफर करते हुए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, 7:45 मैंने सातारा जी से बोर्डिंग किया, और सातारा जी से बोर्डिंग करने के बाद ये मैं चले जा रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ, मैं जाके उतर जाऊँगा। ये चले जाएगा आधा से होते हुए आधा होकर ये चला जाएगा पूरा एकदम आपका भोजुडी तक, और ये भोजुडी पहुँचेगा दोपहर के 1:10 पर। ये ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट 4 है सामने की तरफ, पीछे में है 1 और 4 है रिजर्वेशन कंपार्टमेंट नॉर्मल सीटिंग, और एक एसी कोच है इस ट्रेन में। और ये ट्रेन पे आप जो है ये सुपरफास्ट कैटेगरी का ट्रेन है, मतलब ये सातारा से छूटने के बाद ये डायरेक्ट खड़गपुर पे आके रुकती है, और उससे पहले ये घर पे भी नहीं रुकेगी। पैंट्री कार ये ट्रेन में नहीं है। आप लोगों को खाना और IRCTC के ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं खड़गपुर आने पर, या फिर आप अपने जो वेंडर यहाँ पे चलते हैं वहाँ से भी आप खाना ऑर्डर कर ले सकते हैं। तो खाने के लिए बस इतना ही है, बाकी मैं एसी का जो सीटिंग है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को ये एसी का वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम में यहाँ पे एक सिंक है, यहाँ पे डस्टबिन है, पैन वगैरह क्लीन है, सब कुछ यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी है, और टॉवल रैक है यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे ग्रिल दिया हुआ है, मोबाइल स्लिप करके बाहर ना आ जाए यहाँ पे भी ग्रिल दिया हुआ है। यहाँ पे आईना भी लगा हुआ है, और काफ़ी साफ सुथरा है ये। यहाँ पे एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है, ये सब यहाँ पे है, और यहाँ पे अपना शर्ट वगैरह रखने के लिए जगह भी है, सब काफ़ी साफ सुथरा है एसी का तो जैसे होता है यहाँ पे। आपको ढेर सारा प्यार यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मैं एक फैमिली मैन होते हुए भी आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जितना सही इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाया जा सके, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ये बेटी होने के बाद बढ़ जाने के कारण अभी टाइम के हिसाब से वीडियो नहीं दे पाता हूँ। लेकिन हमेशा जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा आगे से भी, तो वो जरूर इन्फॉर्मेशन से भरा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो बहुत बहुत आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर इसे एक लाइक देके मुझे उत्साह दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कभी भोजुडी पे गए हैं कि नहीं, और ये वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा सारा ऑफिशियल हैंडल फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। मेरे व्हाट्सएप में जाके आप हाई कर दीजिएगा, और हमारा फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर दीजिएगा।
तो हमेशा की तरह इस YouTube वीडियो को लाइक करने के लिए, ऊपर आई बटन में दिए गए वीडियोस को चेक करने के लिए, हमारे Facebook पेज को लाइक करके फॉलो कर देने के लिए और हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराई से ढेर सारा प्यार।